अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले YouTube बहन भाइयों को मेरा बहुत दुआ सलाम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजर रहा है और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं। मैं अपने नए आने वाले बहन भाइयों को वेलकम करता हूँ, बहुत शुक्रिया। और मैं रियली अप्रिशिएट कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, और इस मुश्किल वक्त में हम सब एक दूसरे को इंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा वक्त का गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया करने को। तो सारा दिन बैठे रहते हैं, देर से सो के उठते हैं, सही बताऊं मैं आपको तो देर से सो के उठता हूं, देर से सोता हूं, और उस वजह से सारी रूटीन ख़राब हो रखी है। ना किसी से बात ढंग से हो सकती है, ना किसी से बंदा कोई कराबता, कुछ भी नहीं। तो बहरहाल अभी कुछ आज मेरे शो का टाइम से उठा तो फिर मैंने अपने भाई से बात की, अपने दोस्त से बात की, अपने नेफ्यू से बात की फ़ोन पे, पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ में। अच्छा लगा सबसे, दोस्तों से, भाइयों से बात करके। और हमारे भाई बड़े एक्साइटेड थे, उन्होंने कुर्बानी खैर से ली, बकरा हमारा खैर से आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा बकरा है, और बड़े खुश थे। बच्चे हमारे एक्साइटेड हैं, और अभी गाय रहती है अभी, तो इंशाल्लाह देखें वो कब लेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग भी ईद की तैयारियों में लगे हुए होंगे, छुरियाँ वगैरह तेज़ हो रही होंगी, और बहरहाल जो भी होता है ईद का, अल्लाह करे ये कोरोना की पहली ईद, अल्लाह करे कैसी होती है, आई डोंट नो, किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं अभी फारिग हुआ तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल होता है कोई सब्जेक्ट ढूंढना वीडियो के लिए, व्लॉगिंग करनी बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ये मेरी टेप पड़ी हुई है, ठीक है, ये पाकिस्तानी मूवी है गन एंड रोज, इसके गाने चल रहे हैं, ठीक है। मैं जब पाकिस्तान में होता था तो मैं ये गाने बहुत शौक से वीडियो देखने जाता था थिएटर में, तो वापसी फिर भी मैं अपनी इनकी टेप लेके घर आता था, ऐसे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर फन। तो सॉरी मैंने पहले वीडियो बनाई तो वो थोड़ी ख़राब हो गई, तो मैंने आपको दिखाना था। मैं ये आज मैं खा रहा हूँ जी अमरूद, ये हमारे अमरूद हैं, ये ऐसे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, बड़ी खूबसूरत पैकिंग के साथ। तो ये चाट मसाला एंड ब्लैक सॉल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और ये मैंने एक अमरूद काट लिया, तो मैंने पहले वाले वीडियो में काटा था, मगर वो मेरी बीच में कॉल आ गई, तो जिसकी वजह से वो मेरा सारा वीडियो ख़राब हो गया, तो मुझे नई वीडियो बनानी पड़ गई। अभी देखिए फिर फ़ोन आ रहा है, तो लोग समझते कि हम बहुत वेले हैं। तो anyway, उम्मीद है आप लोग अच्छी मेरी वीडियो को इन्जॉय करेंगे, कि मेरी फैमिली वीडियोज़ होती हैं, सोशल होती हैं, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट होती है, राइट। तो मेरा दिल था, आज मेरी बहन लेके आई थी ये, हम लोग जब जाते हैं ग्रोसरी करने के लिए तो इंटरनेशनल मार्केट में ना, तो वहाँ पे कभी कभी अगर अच्छे ताज़ा अमरूद पड़े हुए हों तो हम लोग एक दूसरे के लिए ले लेते हैं, अक्सर तो वही लेके आती हैं बेचारी, मेरी बहन ही मेरी लेके आती है, क्योंकि मैं तो जो है ना, मेरा काम जो है सिर्फ खाने का होता है, राइट। तो बहरहाल इस पर चाट मसाला लगा हुआ है, बहुत अच्छा। आपको मुझे पता नहीं कि कुछ लोग उसके ऊपर नींबू भी लगा के खाते हैं कि नहीं, आई डोंट नो कि आप लोगों की क्या अच्छा लगता है, मगर मैंने इसमें नींबू नहीं, मैंने इस पर काला नमक और चाट मसाला लगाया, बहुत मज़ेदार है। चाट मसाला थोड़ा सा खट्टा है, मैं खट्टा नहीं खा सकता बिल्कुल भी, मगर अच्छा है माशाल्लाह, मज़ेदार है। अमरूद हमारे बहुत फेवरेट हैं, ठीक है। तो हम जब स्कूल में जाते थे तो अमरूद वाला वहाँ पर आता था, छुट्टी के बाद हम लोग उससे अमरूद ज़रूर लेते थे, और हमारे नेबर्स में भी लगे होते थे तो हम लोग बहुत खाते थे शौक से ना, स्पेशली कराची में अमरूद बहुत होता है। तो आप लोग मेरे पे हंसेंगे कि बच्चे वगैरह बैठा हुआ अमरूद खा रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे हमें यहाँ पे अमरूद बहुत कम मिलता है, अब तो कराची मिलने लग गया। वो तो कहने का मकसद ये है कि बहुत मुश्किल से चीज़ मिलती है यहाँ पे, आम तो नहीं मिलती, रहते पाकिस्तान में होता है, चलो अभी रेडी वाला आ गया उससे ले लिया, कभी किसी और से ले लिया। तो बाकी ये कि अल्लाह करेगा हम सब लोग इसी वबा से अपने अपने घरों में मैसूर होकर रह गए। तो जो बहन भाई भी वीडियो बना रहे हैं घर बैठ के, हम लोग को ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए कि करंट सिचुएशन क्या है, हम सब इसी से गुजर रहे हैं, पता है क्या, हम लोग इसके बड़े प्रेशर में आ रहे हैं अभी, ये लंबी अभी तो ये लंबी चलेगी, अभी तो ये कितना और चलना है किसी को नहीं पता,
तो बीमारी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को महफूज रखें, घर में रखें। और अच्छी से अगर आपने एक अच्छी बात करनी होगी तो आप घर से बैठ के भी कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि बाहर जाना हो, आपको मटीरियलिस्टिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप दिखा सकते हैं इजीली बना सकते हैं आप वो करें। देखिए ना, इंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है, हम लोग अपने सोशल वैल्यूज़ को भूल गए हैं कि हम लोग आपस में बैठ के अच्छी अच्छी बातें भी कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छी सलाह मशवरे दे सकते हैं, हम किसी की दुख दर्द सुन सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने कुछ नई मुझे लोगों ने सब्सक्राइब्स किया तो मैंने उनकी भी जाकर देखे तो मैंने उनको भी सब्सक्राइब किया, क्योंकि मैं ये देखता हूँ, मेरा तो ये मानना है अगर कोई बंदा आपको सपोर्ट करे आप उसको डेफिनेटली, जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको भी मोहब्बत वापस दें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो मुझे देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं, मैं भी उनके पास जाके उनको सब्सक्राइब करता हूँ, उनकी वीडियोज़ को देखता हूँ, इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि एक नया मटीरियल होता है। और यकीन माना, जो ड्रामा औरतों का है बहुत अच्छा ड्रामा है, अच्छी हिस्ट्री है, जो भी है बहुत लेंथी है, ठीक है। अगर आप वो ड्रामा शुरू करते हैं ना तो आप कुछ भी नहीं दे सकते, आपको फिर छुट्टी है, आप घर का कोई काम नहीं कर सकते, आप ड्रामों में लगे हुए सुबह शाम, तो इट्स नॉट फन। तो आपकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया, बंदा जिंदगी में कुछ नया करता है, यू नो, आप लोग अगर ड्रामे के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर क्या बंदा फन करेगा, टाइम तो गुजर गया ना। तो मैं अक्सर गाने सुनता हूँ, टेप गाने के यूजली बाहर लगा के देखता हूँ, तो मेरी घुटने की दर्द की वजह से मैंने आज नहीं लगाया, मैं थोड़ा ढीला सुस्त हो गया, मगर मैंने वॉक की, सुबह भी वॉक की और अभी भी करूँगा इंशाल्लाह। तो आपको मेरे पता नहीं वक्त मेरे वेट से अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, मेरा वेट अब काफ़ी, मेरा पेट आपको देखने में लग रहा होगा काफ़ी कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात की देखें काफ़ी कम हो गया मेरा पेट, तो अभी चल रहा है, अभी इतना जल्दी वजन कम तो नहीं होता, बहरहाल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश जारी है, ठीक है। ये मेरे नीलम पहनावा जी, और ये मुझे बहुत अच्छा रास आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात का बहुत शुक्राना है। पता भाई मेरा यकीन तो नहीं है, बट ये कि उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ यकीन करना पड़ता है। तो उम्मीद है मेरे साथ देखने वाले बहन भाई खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे, मेरे साथ ये अपना एंजॉय करेंगे, मेरे क्या कहते हैं इसको अमरूद। तो प्लस बैकग्राउंड में मेरी टेप चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा टेबल रंग हो गया तो मैंने अपने कमरे में रख दिया, उसमें मैंने कुरान शरीफ और जानमाज रखी हो, तो मैंने कहा मैं चलो आपको ये भी बता दूं। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आपके लिए भी हाजिर है अमरूद, खुशी से खाएं, अल्लाह में आपको अच्छी सेहत दे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को ऐसे देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, खुश रहिए। कौन किसके साथ क्या अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, हमें किसी के सरोकार में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, खुश रहिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी चीज़ है, जितने प्यार से जितना खुश होकर गुजारेंगे, कौन क्या कर रहा है हमें किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, और कीप मूविंग फॉरवर्ड योर लाइफ। तो अल्लाह मियाँ सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मोहब्बत का पैगाम जहाँ तक जाएगा।